होता है। तभी वो कह दे कि रामोतार जी राजपूत नहीं है, तो जब तक दस्तावेज नहीं होंगे इनका वोट नहीं डल सकता। पिटा सिंह तो सिर्फ एक लिखा पढ़ी का कर्मचारी होता है और एजेंट उस दिन पावरफुल होता है। हम कहीं कहीं कह देते हमारे से क्या हुआ। दूसरी बात बताना चाहूंगा, सुरेंद्र भैया आपकी पार्टी बड़ी चतुर थी पहले वाली, अभी तो हम तो पुराने हैं, आप हमारी पार्टी के हो गए। मेरे बूथ पे 2013 में कांग्रेस का पंजा था, पहले नंबर की बटन होगी शायद मुझे याद नहीं है, उस पे सफेद चिट चिपका के आ गए ताकि दो चार दस वोट ना सब जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो किस तरफ डाले। एक समझदार व्यक्ति गया कि भैया यहाँ तो पंजे का निशान ही नहीं है, तो उस एजेंट ने जाके देखा तो वहां सफेद चिट चिपकी हुई थी। ये काम हमारा, आज भाषण तो ये सब होते रहेंगे, भ्रष्टाचार उनके निपट के कहीं बचे नहीं है। हमें तो सिर्फ बूथ मजबूत करना है और यहाँ से संकल्प लेके जाना है कि मेरा बूथ क्या होगा। बोल नहीं रहे क्या बात है, कोई गड़बड़ा लग गया पीछे वाले क्या बात है। मेरा बूथ बस एक ही काम है, यदि हमारा बूथ मजबूत है तो कमल पटेल की जमानत जब तो हो सकती है। गांधी जी के सामने जाके कह रहा हूँ जय हिंद जय भारत जय कांग्रेस। धन्यवाद पवार साहब। अब अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच में उपस्थित हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओम मांझू जी को कि वे आके संक्षिप्त में अपनी बात रखें। और सम्मान नमस्कार करता हूँ। ये बड़े सौभाग्य की बात है कांग्रेस की नगर पालिका अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष दोनों आज बैठे इनके सम्मान में ताली बजाओ। ऐसा योग और सहयोग इसलिए मिल रहा है 11 दिसंबर 2018 को 150 से अधिक विधायक और ये सूर्य जो है ये मंत्री की शपथ लेते हुए नजर आएगा, इसको वोट के रूप में जल चढ़ा देना भैया। और मैंने इसको 2-3 दिन लग गया पढ़ते पढ़ते, ये घोटाले इस पे कोई बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात करने आया हूँ, विशेष तौर से हके व्यापारियों से बात करने आया हूँ, 20 वर्ष के बाद में आया हूँ और मेरा नेचर समझ लेना भैया। कसुमारी साहब जी है उनके बेटे को लूट लिया, मैं पंजाब में से शाम को आया, मुझे पता लगा मैं थक गया, मैंने शराब साहब क्या हुआ, बोले साहब वो एसपी था हमने बताया उधर वो टीआई गया नहीं, मैंने कहा रोक चल 11 बजे कामानी से ले गए भैया, पैसे वैसे तो होते नहीं थे, जनरल दफ्तर में श्रीमत लगाते थे स्लीपर में, सुबह टेक दिया मुख्यमंत्री के दरवाजे, मैंने कहा ये सुरक्षित नहीं है, काय को एसपी को भेजा, अरे राजा दी को ऐसे धन्यवाद, उसको तीसरे दिन पुलिस लाइन भेज दिया और फेसबुक पे मैंने डाला है। कमलनाथ जी ने कहा 3 दिसंबर के बाद 4 दिसंबर होगी, सुन लेना रे भैया अधिकारी जितने हो, मैं दलाली वलाली करता हूँ, कानून का विद्यार्थी हूँ, 10 नवंबर को संवैधानिक पद छोड़ा, 3 दिन काम करता था, 24,000 किसी को बोले लगते हैं क्या, मुझे बताओ लगते हैं क्या, क्यों आया। ये जो मैंने पढ़ा है ये संविधान है, संविधान वचन पत्र नहीं है, कमलनाथ जी ने इसमें लिखा है मेरा देश मेरा गांव मेरा किसान और मेरा मजदूर। मैं बोलूंगा आपको 4 बार जिंदाबाद, 4 बार जिंदाबाद बोलते ना मेरी बात खत्म हो गई, मेरा देश मेरा गांव मेरा किसान मेरा मजदूर, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरा देश मेरा गांव मेरा किसान मेरा मजदूर, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद मांझू साहब। अब अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के साथ 3,500 किलोमीटर की पद यात्रा करने वाली हमारी सुश्री अवनी बंसल जी को कि वे आकर अपनी बात रखें।